हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हमने फ्लावर्स नहीं किए थे सेलेक्ट अभी गमलों के लिए, तो अभी हम फूल लेने जा रहे हैं और मैं बहुत टाइम बाद अपनी स्कूटी पर बैठने जा रही हूँ। सो अभी हम पहुँच चुके हैं नर्सरी में और वी आर चूजिंग फ्लावर्स। बोलो। हम सोच रहे हैं ये वाला भी ले लेते हैं एक। तो सेकंड वन जो हमने चूज़ किया था उसका नाम था वैक्स वियोनिया, जो कि डार्क पिंक कलर में है। उसके बाद हमें गुलाब का भी एक फूल चाहिए था, घर पे एक दो ऑलरेडी है बट थोड़ा डिफरेंट कलर होना चाहिए था, तो इस तरफ थे गुलाब के फूल, उसमें से हमने एक चूज़ कर लिया था। तो सबसे पहले गमलों में डाली जा रही है खाद और मिट्टी डाल के मिक्स कर रहे हैं भाई साहब। आज धूप थोड़ी ज़्यादा है। तो ये थे फ्लावर्स जो हम नर्सरी से लेके आए थे, उनको अभी मैंने पानी दे दिया है। अभी आशिका मामू ऑफर दे रहा है, दे ऑफर, दे दे ऑफर, बोल। ये नोट पकड़ ले है, ये बोल रहा है कि जो नोट आशिक पकड़ेगा वही इसका। चलो आशिक, लेट्स स्टार्ट। चलो आशिक, चलो चलो 500 वाला पकड़ो। कम ऑन आशिक, कम ऑन आशिक के हाथ। लालची आशिक ने पकड़ लिया है पान, नहीं 200। ओ ओ नो, ओ नो नो। अच्छा ए ए चीटिंग चीटिंग। ओ ओ ओ हो हो हो, नहीं ये मामा जी चीटिंग कर रहे हैं। मामा जी ने खुद छोड़ दिया 20 रुपए का नोट, जबकि आशिक ने पकड़ा था 500। बट इट्स ओके। आशिक कौन सा पकड़ा है आपने? बार बार आशिक जी के हाथ जा रहे हैं। फाइनल नोट दे दीजिए मामा जी। आशिक ऐसे ना तेरे हाथ ही लगवाते रहे मामू और कोई नोट ही ना दे। वाह आशिक वाह, घर बैठे बिजनेस। 200 फाइनली, ये। सो गाइज इट्स अ न्यू डे और मैं मार्केट जा रही हूँ जस्ट फॉर 1 आवर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में से 1 घंटा निकालना भी विदाउट माई बेबी इट्स लाइक समझ नहीं आ रहा। दौड़ भाग में जा रही हूँ, थोड़े बहुत काम है मुझे। और आशिक को भी मैंने पापा के पास छोड़ा है, आई होप कि वो रोए ना। तो अभी चलती हूँ। सो अभी शाम हो चुकी है और मैं सुबह से लेके अब तक आशिक के साथ बिजी थी। तो छोटू सा ब्रेक लेने के लिए मैं जा रही हूँ अपनी दादी से मिलने, क्योंकि क्या हुआ छवि, मम्मी टॉर्चर कर रही है? सबकी मम्मियाँ करती हैं। कितनी देर हुई काम करते हुए बेटा? हाफ एन आवर। हाफ एन आवर, सो दिस इज नॉट इनफ, थोड़ा और करो। 2 घंटे हुई है, मजाक है? ये लड़की भी 15 मिनट। सो हुआ। वाओ आशी, हमारी बड़ी ताई जी, ताई इंगे कर रही है, कुछ नहीं हुंदा। बंपू दीदी, दिखना अलका दीदी, इनकी बेटियां हैं चार, सभी दीदियां हमारी ब्लॉग देखती हैं। तो ये है मेथी की फसल, ये ताई की फसल है। वेरी नाइस, ताई इज वेरी हार्ड वर्किंग। ये है मेरा वो घर जहाँ पे मैं बचपन में रही हूँ। और ये बहुत शर्मीला है, ये फौजी भाई मेरा जो यहाँ पे खड़ा है। ये है मेरी प्यारी दादी माँ। और ये है हमारा एंट्रेंस, यहाँ पे पेंट से हमने वेलकम लिखा था। और देखो बीबी बोले अंदर से भी ले ले। वाह बीबी वाह। हमारा फर्स्ट रूम था, मीन्स की अभी भी है। ये मेरे दादाजी की फोटो है। इस तरफ ऐसे शेल्फ्स हैं जहाँ पे पूजा रूम है, यहाँ हम टीवी रखते थे। और ये है, और फिर एक रूम ऐसे अंदर की तरफ है। फिर यहाँ पे है पौड़ियाँ। पौड़ियाँ चढ़ने के बाद है इसको, जैसे किचन है ये, ठीक है, वो फ्लोर आ गया नीचे और अभी मैं ऊपर आ गई हूँ। ये किचन है और आप देख सकते हो कि ये स्लॉट से बना हुआ घर है। और ये स्लॉट है, बंद किए जाते हैं रात को और सुबह ओपन कर दिए जाते हैं ताकि सनलाइट इस तरफ से आती रहे प्रॉपर। ये है चूल्हा जिस पे दाल बन चुकी है और फिर यहाँ से ही धुआं निकलता है। चिमनी का कोई काम नहीं था पहले के ज़माने में। यहाँ से भी एयर पास होती है और बाहर का व्यू भी देख सकते हैं हम, जैसे कि खेतों में दिख रहा है वो देखो, गेहूँ ढकी हुई है क्योंकि गेहूँ की कटाई शुरू हो गई है और मौसम भी काफ़ी ख़राब रह रहा है। इसके किचन के दूसरी तरफ भी एक रूम है
यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, लेकिन ये है वो स्पेशल विंडो जहाँ बैठ के बचपन में हम चाय पिया करते थे और बाहर का व्यू इंजॉय करते थे। तब यहाँ पर ये घर नहीं थे, मीन्स भैया के, और ऐसे है हमारा व्यू। एक स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, विच इज़ दिस। देखिए, कुछ लोगों को पता होगा कि इसमें आटा डाला जाता है, अभी है कि नहीं। यस, अभी भी है इसमें। तो देखो, पहले के ज़माने में हर एक चीज़ खुद बनाई जाती थी। जैसे कुछ सामान रखना होता था छोटा मोटा, छोटे मोटे डिब्बे कुछ भी, तो ऐसे करके दीवार में ही जगह बनाई होती थी। सो जैसा कि मैंने अपनी ऑडियंस के साथ प्रॉमिस किया था कि ससुराल जाने से पहले मैं अपने इस घर का ज़रूर ब्लॉग दूंगी, तो ये कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।